इजराइल लेबनान सीमा पर भीषण गोलीबारी, लेबनान बॉर्डर पर रात भर बमबारी चली है, दोनों तरफ से आर पार की लड़ाई जारी है और उसी बमबारी की तस्वीरें आपके सामने। रात के अंधेरे में कैसे टारगेट सेट किया जा रहा है और कैसे नेस्त नाबूद किया जा रहा है उसकी तस्दीक करती हुई ये तस्वीर। और इस वॉर जोन में, इस युद्ध भूमि पर टीवी 9 की टीम मौजूद है, गाजा पट्टी बॉर्डर पर टीवी 9 भारतवर्ष। जी हां, मार्क टैंक 4 से हमले की तैयारी है, गाजा पर अटैक के लिए सेना को तैयार किया गया, वो तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं और लगातार यहां से ग्राउंड रिपोर्ट्स भी आपको दिखा रहे हैं। गाजा पट्टी बॉर्डर पर टीवी 9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त मौजूद है, जंग के सबसे खतरनाक इलाके में इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष के जाबाज रिपोर्टर और कैमरामैन मौजूद हैं, जो कि एक ही तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त टीवी 9 के कैमरे पर आप देखिए कि मार्क 4 टैंक में जो टैंक के सेल को टैंकिस्ट प्लेस कर रहे हैं उसको आप देखिए कि कितना बड़ा सेल है। तो आप सोचिए कि एक तरफ से जहां हमास के रॉकेट के हमले हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो मार्क 4 टैंक के सेल से उसका जवाब दिया जाएगा और बीच बीच में जो धमाके की आवाज़ यहाँ पर बॉर्डर पर सुनाई देती है, फ्रंट लाइन पर सुनाई देती है, वहीं ठीक दूसरी तरफ देखिए अमित, दूसरी तरफ आप दिखाइए, बहुत सारे जो टैंकमैन हैं वो एक एक सेल को लेकर जा रहे हैं और उसको अपने अपने टैंकों में। तो देखिए कभी भी शुरू हो सकता है ये ऑपरेशन, कुछ घंटे के बाद हमास पर को नेस्तनाबूद करने के लिए ये ऑपरेशन जो होगा उसके लिए देखिए अभी किस तरीके से इस टैंक में जो टैंकिस्ट हैं वो सेल को प्लेस कर हैं ताकि एक साथ अटैक किया जा सकता है। आज की रात भारी पड़ सकती है हमास पर, आज की रात गाजा पट्टी पर भारी होगी, उसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि सोल्जर अपने हिसाब से तैयारी करके उन्होंने रख लिया है, बस एक सिग्नल का इंतजार है, जैसे ही वो सिग्नल मिलेगा और ये कूच कर पड़ेंगे गाजा पट्टी में दुनिया के सबसे खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए, जिसके बाद जैसा कि IDF का कहना है कि फिर 100 साल तक कोई भी इजराइल की सरजमी पर आक्रमण करने का हिम्मत नहीं जुटा पाएगा।